मैं हूं कनाडा के शहर टोरंटो में मौजूद और इस वक्त हो रही है ग्रैंड रिहर्सल्स। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम नर्वस। शोज़ से पहले नर्वसनेस आपको होती है? इतने बड़ा शो इंटरनेशनल करना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। हमने छुट्टियां भी मनाई हैं क्रिकेट में। इस परफॉर्मेंस में क्या नया है? दर्द नया है, घुटने का दर्द, पैर का दर्द। हम दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर डूबना चाहते हैं। So stay tuned. बेबी बनाया है आपने, चाहे जिस भी मकसद से बनाया हो। कैसे लग रहे हो? मैं अब अच्छे लग रही हूँ? You always look beautiful. बहुत खूबसूरत। ऐसे ही रहा करो, क्योंकि आज तो क्या कह रहे थे आप? आज तो क्या? कुछ नहीं। बस वैसे ये एकदम से इतना बड़ा चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। आंटी के साथ शॉपिंग पे गई थी तो अकेले शॉपिंग पे भी चली गई और मुझे बताया भी नहीं। मैंने तो सिर्फ शॉपिंग का नहीं बताया, आपने तो बहुत कुछ नहीं बताया मुझे। क्या मतलब? क्या नहीं बताया मैंने? यही कि वेस्टर्न कपड़े पसंद है आपको। To me, you're the most beautiful person. इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ईस्टर्न कपड़े पहनो या वेस्टर्न। एंड इतना तो तुम मुझे जानती हो, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, चाहे वो कपड़े क्यों ना हो। मैं चेंज कर कराता हूं। And you do look very nice. तुमने तो मेरा शक यकीन में बदल दिया सारे, कि तुमने मुझसे मेरे रूप की वजह से शादी की। बेटा कोई तो रास्ता होगा ना उस शख्स तक पहुंचने का जिसके पास फाइल है। मम्मी जी, सब कुछ करके देख चुका हूँ, जो मेरी मालूमात थी जहाँ तक मेरी पहुँच थी। और जो उन प्लॉट्स के दूसरे दावेदार हैं ना, वो बहुत असर रसूख वाले लोग हैं, बहुत ऊपर तक पहुँचे उनकी। मैं नहीं कर सकता उनका मुकाबला। सारिम ने इतना भरोसा करके पैसे दिए थे मुझे और क्या कर दिए मैंने। आरिफ तसल्ली रखे, वैसे भी ये पैसे आपके नहीं थे, रूमी के थे, और वो कोई आपसे हिसाब किताब तो नहीं लेगी ना। और आपने कोई मांगे नहीं थे उससे, उसने खुद आपको फोर्स करके दिए हैं ये पैसे। हाँ शांजे, लेकिन मैंने एक्सेप्ट तो किए थे ना, और इस शर्त पे एक्सेप्ट किए थे कि मैं वो रकम लौटाऊंगा उसे। अब कहाँ से वापस करूँ? अरे मेरा ख्याल है ये बात हमें रूमी को बतानी चाहिए, ताकि वो सारिम से बात करे, हो सकता है वो कोई हल निकाल सके, उसकी भी तो जान पहचान है ना। पता नहीं अम्मी, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा इस वक्त।
हेलो सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल आप कैसे हैं? आंटी कैसी हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंटली सहरिश कैसी है? सब ठीक ठाक बेटा, सब खैरियत है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह के फजल करम से सहरिश का ऑपरेशन कामयाब हो गया, अब वो रिकवरी पे है। थैंक गॉड अंकल, आपने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है। आई वाज रियली वरीड अबाउट सहरिश। बेटा सारे मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब करने की वजह ये थी कि हम आहिल से वीडियो कॉल पर बात करना चाह रहे थे और रूमी फ़ोन नहीं उठा रही, तो सोचा तुम्हें फ़ोन करके बता दें कि मुझसे कहो कि बात कर ली। एक्चुअली अंकल रूमी आहिल को लेके सभी आंटी के पास गई है, आई एम श्योर वो बातों में मसरूफ़ होगी, उसने अपना फ़ोन नहीं देखा होगा। मैं काम करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ और उससे कहता हूँ कि आप कॉल बैक कर लें। और जहाँ तक बात रही आहिल की, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम, बिल्कुल ठीक है, बड़ा और अब तो बहुत शरारतें करना शुरू हो गए। जीत रहा बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो बेटा मैं अब फ़ोन रखता हूँ, अम्मी अबू को सलाम देना और मेरी तरफ से खैरियत पूछ लेना। ठीक है अंकल, आपसे बात होती है फिर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। भाई आप फिक्र ना करें, अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रूमी यकीन जानो, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हारा नुकसान पूरा कर सकूं, लेकिन जब हर तरफ से मायूसी हुई तो आके तुम्हें बता दिया। रूमी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतनी बड़ी रकम डूब गई। मैं I'm really sorry. It's okay. रूमी मेरा ख्याल है ये बात तुम्हें सारिम को बतानी चाहिए, ये उसके जान पहचान है, लोगों से ताल्लुकात हैं, हो सकता है कुछ हल निकल आए। नहीं अम्मी, सारिम से कोई बात नहीं करेगा। मेरा मतलब है कि सारिम थोड़ी पूछेंगे रकम के बारे में। क्या मतलब, क्यों नहीं पूछेगा? अब रूमी के कहने का मतलब है अम्मी कि जब सारिम को इस मामले का पता ही नहीं है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो उसे बताने की जरूरत भी नहीं है। क्यों रूमी? हाँ रूमी एक बात पूछो, सच सच जवाब देना, ये रकम तुमने मुझे सारिम की रजामंदी से दी थी? मेरा मतलब है उसके कहने पे दी थी ना? आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? जाहिर उसकी बीवी अपने शौहर से पूछे बगैर कोई कदम क्यों उठाएगी और इतना बड़ा फैसला क्यों करेगी? रूमी असल चक्कर क्या है बताओ मुझे, बोलो। मम्मी मम्मी सारिम को इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने खुद से पैसे दिए थे। यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला तुमने रूमी? रूमी हेरा फेरी कहां से सीख ली तुमने? मेरे खुदाया, मैं तुम्हें इस वक्त अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दी है, कितनी बड़ी टेंशन में डाल दी है। भाई आप एक बार मेरी बात तो सुनो। रूमी मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इस वक्त सिर्फ ये बताओ कि ये हरकत तुमने किसके कहने पे की है? झूठ मत बोलना मुझसे। भाई मुझे भाभी ने बताया था कि आपकी जॉब चली गई है, मैं सिर्फ मदद करना चाह रही थी और सारिम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जी अस्सलाम वालेकुम सारिम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़।
हाय। मेरी माँ ने आज तक मुझे सिर्फ खुददारी से जीना सिखाया है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन को इस बात की भिनक भी पड़े कि उसका भाई बेरोजगार हो चुका है। मेरी खुददारी ने मुझे आज तक इस बात की इजाजत नहीं दी कि मैं अपने भनोई से अपनी जॉब लगवाने की बात करूं। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे उनके सामने बेगैरती करके रख दिया। भाई, मुझे भाभी ने पैसे मांगने का नहीं। तुमने भी मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी रूमी। मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी, लेकिन शान से तुमने अच्छा नहीं किया। सोचो, जब ये बात सारिन को पता चलेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आप सब लोग तो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे रूमी से पैसे लेके मैंने अपने मैके भिजवा दिए हो। आप सब लोगों ने एग्री किया था, बात समझ आई थी, तो सबने उसको कहा था ठीक है, फायदा हो जाता तो शांजे का नाम ना होता, नुकसान हो गया तो आप लोग मुझे इल्जाम दे रहे हैं। जुबान संभाल के बात करो। शांजे, ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए। गलती तुम्हारी और उल्टा तुम कसूरवार हमें ठहरा रही हो। गलती की है? कौन सी गलती की है? मैंने एक एक बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में आपका साथ दिया है। मैंने 2 महीने से नौकरी नहीं है आपके पास, एक पैसा कहीं से आने का आसरा नहीं था, और कहीं से मदद लेंगे तो आपकी इज्जत पे दाग आ जाएगा। तो मैं कुछ ना करती तो कौन करता? भाभी, भाभी प्लीज कमरे में जाए, अपने अम्मी भाभी को खिला। भाई, भाई I'm very sorry, मैंने आपको हर्ट किया। मैं ये नहीं चाहती थी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब सब कुछ मैं ही ठीक करूंगी। क्या करोगी? कैसे करोगी ठीक? फिर से झूठ बोलोगी उससे? देखो रूमी, ये बात तुम्हें सारिन को बतानी ही पड़ेगी, और फिर वो जो भी कहे वो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इस अच्छाई से तुम नाजायज फायदा उठाओ। ये तमाम बात तुम्हें सारिन को बतानी होगी, और अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर मैं खुद सारिम को ये सारी बात बताऊंगी। आप सारिम से कुछ बात नहीं करेंगे, मैं खुद बात करूंगी उनसे। रूमी, अगर रिश्तों के दरमियान पैसा आ जाए ना तो अक्सर रिश्ते कमजोर हो जाया करते हैं, और पैसा भी ऐसा जो धोखे से आए बिना बताए। इसलिए जितनी जल्द हो सके उसे ये सारी बात बताओ, ये बहुत जरूरी है। आप भाई को बिठाए, मैं पानी लाती। बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहिल का है? वो जुबैदा के पास है, थक गया था तो वो सिला देगी। अच्छा, आप जल्दी आ गए आज? हाँ, वो मामू को जरूरी काम था, घर पर ही करना चाह रही थी इसलिए हम जल्दी आ गए। रूमी, Are you okay? फैजान अंकल का फोन आया था, मुझे बता रहे थे कि वो तुम्हें फोन करें लेकिन तुम उनका फोन नहीं उठा रही। फिर मैंने भी कॉल किया, मुझे भी तुमने कहा कि तुम थोड़ी देर बाद कॉल करोगी, but you never did. सब ठीक है ना? खैरियत है ना? वो मुझे एक बात करनी थी आपसे। करो। सारिम, जो अकाउंट में प्रॉफिट आता है उसमें से मैंने कुछ रकम निकाल ली थी,
मेरा मतलब है कि 60 लाख रुपए। जानता हूं मैं। आप जानते हैं? तो आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? जब तुमने ही बताना जरूरी नहीं समझा तो फिर मैं ऐसी खामखा पूछता। लेकिन आपको आपको सोच नहीं आई कि मैंने इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली है? तुमने कुछ शेयर ही नहीं किया। मैं ऐसे तो इंटरफेयर नहीं कर सकता ना। सारे सारे वो रकम मैंने आरिफ भाई के लिए ली थी कि वो अपना कारोबार शुरू करें, पैसे का इन्वेस्ट करें। कारोबार में उनके साथ धोखा हो गया और पैसे डूब गए। अगर ये सब कुछ तुम मुझसे पहले डिस्कस कर लेती तो हो सकता है इस बड़े नुकसान से बच जाते। पर आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। जब तुमने मुझसे पहले कुछ डिस्कस नहीं किया तो अब क्यों डिस्कस कर रही हो जब सब कुछ हो गया? I'm so sorry. Don't be. I'm sure इसमें कहीं ना कहीं मेरा ही कसूर होगा। हो सकता है मैं ही तुम्हारा भरोसा तुम्हारा यकीन अर्न ना कर पाया हूं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तुम भी एग्जैक्टली वैसे ही सोचो। ऐसी कोई बात नहीं है सर। आपको पता है आरिफ भाई ने भी खुद मुझसे पैसे इसलिए लिए थे क्योंकि मैंने उन्हें कहा था आप चाहते हैं वो कोई इन्वेस्ट करें, वरना वो ना लेते। वाओ। रुमी अगर तुम मुझे सब कुछ बताती तब भी मैं इनकार ना करता। तुमने ये सब कुछ छुपाया मुझसे। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे बनावट से और झूठ से नफरत है। मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूं और अपने रिलेशनशिप्स में अपनी जिंदगी में मौजूद लोगों से भी ऑनेस्टी ही एक्सपेक्ट करता हूं। खैर अब जो होना था वो तो हो गया। आगे से तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो प्लीज आस्क मी। तुम पैसों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सारे मैं आपसे कह तो रही हूँ आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे आपके टोन से आपकी आपकी बातों से लग रहा है कि आप समझे मेरे घर वाले लालची हैं। सारे मेरे मेरे घर वालों का आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ कि हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है, लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत खुददारी से तरबियत की हमारी। कितने अफसोस की बात है ना, तुम मुझे अब तक इतना भी नहीं जान पाई कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं या नहीं। क्या तुम्हें मेरी सोच इतनी घटिया लगती है? हाँ रूमी, मैं जो हूं ना मैं सबके सामने हूं। आई डोंट हाइड थिंग्स। तो आप कह रहे हैं आपने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया? ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुमसे छुपा।
सोच ले। What do you mean? क्या छुपाया मैंने, क्या सोचूं मैं? रूमी बाजी, वो शायद आहिल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है, वो सो नहीं रहे, बहुत रो रहे हैं, आप आके देख लें जरा। अब जाओ, मैं आ रही। अगर आहिल की तबीयत ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल ले चले। से आहिल के लिए इतना कंसर्न शो करने की जरूरत नहीं है आपको। अब मुझ पर सारी हकीकत खुल चुकी है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। तुमने क्या कल से लगा रखी है? कहना क्या चाहती हो तुम? आराम से बात कर, आहिल उठ जाएगा, ऐसे भी देर से सोए। रूमी, सारिम चला गया ऑफिस? जी आंटी, सुबह नाश्ता किए बगैर ही चले गए थे। वो जरीना मुझे बता रही थी कि आहिल की तबीयत ठीक नहीं थी रात, अब कैसा है वो? पेट में दर्द था आंटी, सिरप पिला दिया था मैंने, अब बेहतर है। चलो अच्छा है, अब आओ नाश्ता करो। आरिफ भाई, जो हो गया सो हो गया। नहीं सारे, गलती रूमी की है, रूमी को मुझे बताना चाहिए था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी वो पैसे एक्सेप्ट ना करता। आई एम श्योर उसने जो कुछ भी किया होगा आपकी मोहब्बत में किया होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आप? आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपकी जॉब खत्म हो गई है, रूमी ने बताया नहीं मुझे। What do you want to do next? मैं भला क्या चाहूंगा सारे? इतने बड़े नुकसान के बाद मैं तो तुम्हारे से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। प्लीज भूल जाए जो कुछ भी हुआ है, और वैसे भी दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस। मुझसे कितने बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, बाज दफा मैं भी गलत डिसीजन ले लेता हूँ। इट्स ऑल राइट इफ यू आर कंफर्टेबल, मैं आपको एक ऑफिस सेटअप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, अब नहीं है मुझ में हौसला, मैं कोई जॉब ही ढूंढूंगा। अच्छा ठीक है, आई हैव अ बेटर आइडिया। आप एक काम करें, कल से आप मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लें। मैं ताहिर साहब से कहूंगा कि आपको सारे के सारे काम समझा दें, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। सारे, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और तुम्हारे माथे पे बल तक नहीं आया, किस मिट्टी के बने? बल्कि उल्टा तुम मुझे सेटल करना चाह रहे हो, मुझे मजीद कितना शर्मिंदा करोगे? आप ये बातें करके ना मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, और मैं अगर टेक्निकली आपसे बात करूं ना, ये मेरा नुकसान था भी नहीं। रूमी ने आपको जो भी पैसे दिए हैं वो उसके अपने पैसे थे, उन पैसों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कमाते तो तुम थे ना, इसलिए प्रॉफिट तुम्हारा था, उस पर तुम्हारा हक था। देखें प्लीज, मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। आप कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर आपने मजीद रिजिस्ट किया ना, फिर मेरे माथे पे बल जरूर आ जाएगा। शुक्रिया, कहने के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। नो थैंक्स एट ऑल। सारे, सारे ठाना लगा रही हूँ आज, भूख नहीं है मुझे।
अगर मेरा अपने भाई को पैसे देना इतना बुरा लगा था तो क्यों आज उन्हें घर बुलाया? जॉब ऑफर की और मजीद नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात की, क्यों? क्योंकि आपको खुशी मिलती है सबको ये दिखाकर कि कितना अजीम इंसान हूं मैं, कितना बड़ा दिल है मेरा, है ना? बहुत अफसोस की बात है, वैसे अफसोस की बात यह कि तुमने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं इस तरह रिएक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसों का कंसर्न है। अगर मुझे पैसों का इतना कंसर्न होता प्लीज मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे एक बार कहने पे मैं ताबिश का घर फौरन से क्यों खरीदता? मैं अंदर ही अंदर इस गिल्ट में था कि शायद मुझ में कोई कमी है, मेरा कसूर है कि मैं इतनी कोशिश के बावजूद तुम्हारे दिल में जगह पैदा कर ही नहीं सका। और कुछ नहीं, मोहब्बत नहीं कर सकती ना, प्लीज ना करो। एक रूममेट के तौर पे ही मुझे बता दी थी कि तुम परेशान हो, अपने भाई का इतना बड़ा मसला तुम अकेले हल करती रही और मैं इस छत के नीचे था तुम्हारे साथ, मुझे ही नहीं पता कि तुम इतनी परेशान हो। मुझे एक बार मालूम हुआ कि उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ होती है, मैं उससे नफरत करना शुरू हो गया रूमी, फिर भी उसकी हर तकलीफ में मैं उसके साथ मौजूद था क्योंकि उसकी परेशानी में तुम परेशान होगी, तुम्हें तकलीफ ना हो। पर आई गेस आई वाज क्रेजी, मैं पागल था, मैं बेवकूफ था। उस जमीन को पानी देता रहा जिसपे सिर्फ ताबिश के नाम के फूलों की जगह मेरी कोई गुंजाइश है ही नहीं। कहाँ जा रहे? अगर अपने दिल की सारी बातें कर ही ली है तो एक बात मेरी भी सुनते जाए। आप मुझे ताबिश का ताना दे रहे हैं के बारे में आप सब कुछ जानते थे। मैं ताबिश के निकामी थी, आप जानते थे। आपने तो एक लम्हे में मुझे अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे सारे मसाइल गिनवा दिए। मैं मानती हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी कि मेरे मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल मरहले में आप मेरे साथ डट के खड़े रहे। और मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शान से भाभी की बातों में आकर मैंने सब कुछ खुद किया, आपको कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन कभी सोचा है कि सिर्फ ये बात जानकर आपको इतना बड़ा झटका लगा तो जब मुझ पर यह हकीकत टूटी होगी कि आप मुझसे नहीं मेरे अक्स से मोहब्बत करते हैं, क्या हाल हुआ होगा मेरा? परेशान थी मैं, बात करना चाहती थी आपसे, मुझे समझ नहीं आया क्या कहूं आपको, क्योंकि मैंने भी रिश्ता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी साथ। Hold on. I don't understand. मैं तुमसे नहीं तुम्हारे अक्स से मोहब्बत करता हूं, समझा नहीं मैं कुछ? समझे नहीं आप?
आपने मुझसे शादी इसलिए की थी ना, क्योंकि मैं किरण जैसी दिखती थी, वरना उसके इंतकाल के बाद तो आपके आपके दिमाग से शादी का ख्याल भी निकल गया था और शायद कभी आता भी नहीं। इसलिए आया क्योंकि आपने मुझे देख लिया था। और फिर सिर्फ मुझे हासिल करने में लगे रहे और फिर हासिल कर भी लिया, तो ये सोचकर खुद को तसल्ली देते थे कि किरण का अक्सर ये सामने, वरना कौन मानेगा कि आप जैसा इतने बड़े बिजनेस का टाइकून, मुझ जैसी मिडिल क्लास बेवा एक बच्चे की मां से शादी करे, कौन नहीं मानेगा। मोहब्बत तो कभी आपने भी नहीं की थी। रुमैसा रहमान से मोहब्बत नहीं करते, आप उसके अक्स से करते हैं। और आप मुझे मोहब्बत का ताना दे रहे हैं। याद है कितना खुश हुए थे आप जब मैं आपके सामने बिल्कुल किरण की तरह तैयार होकर करता था किरण से मोहब्बत यार, और मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन रूमी मैं तुमसे मोहब्बत तुम्हारी वजह से करता हूँ, किरण की वजह से नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे माँ हमने आपकी बचपन की दोस्त ने बताया कि रूमी सारिम ने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम किरण की तरह दिखती थी। साथी आंटी ने भी मुझे कहा कि सारिम ने जैसे तुम्हें देखा है शादी के लिए हामी भर ली थी, इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं। और मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि आप किरण से मोहब्बत करते थे या अभी भी करते हैं, लेकिन लेकिन अगर झूठ से इतनी नफरत है तो मुझसे क्यों बोला झूठ। मुझे क्यों इस फरेब में रखा कि रूमी तुम खास हो, और मैं पागल समझती रही तुम की खास हूं मैं और मोहब्बत करते हैं आप मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम पे पूरा हक होते हुए इस एक कमरे में रहते हुए मैंने कभी तुम पे हक नहीं जताया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रूमी, तुम्हारी एक खुशी के लिए, एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जिंदगी का हर काम छोड़कर आ जाता हूं। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रूमी, मैं अपनी मां के अरमानों को तुम्हारी हर खुशी हर ख्वाहिश पे कुर्बान करता हूं हर रोज। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता यार आहिल, अपनी औलाद की तरह लगता है मुझे, मेरा बेटा है वो। तुम मुझसे ये कहती हो कि मैं उसे अपना नाम तक नहीं दे सकता, मैं मानता हूं ना उसे यार, किसके लिए। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रूमी, ये सारी बातें जो है ना वो तुमसे जुड़ी है, किरण से नहीं। किरण मेरे माजी की खूबसूरत याद जरूर है, लेकिन दीमक नहीं है जो मुझे अंदर से खोखला करे, बल्कि वो मोहब्बत मुझे आज तक देती है ताकि मैं तुमसे मजीद मोहब्बत कर सकूं। तुम्हारी हर चीज तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी सूरत,
तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये किरण की नहीं है। सारिम सिर्फ रुमैसा रहमान से मोहब्बत करता है। सारिम के दिल में रूमी बसी है। सारिम की हर धड़कन में तुम्हारा नाम है। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि इन सब बातों को समझने के लिए ना रूमी है, दिल में मोहब्बत का होना जरूरी है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए ना कभी मोहब्बत थी ना है, एंड आई डोंट थिंक कभी होगी। You know, Rumi, this is enough. I don't think I can take it anymore, bas. अब और नहीं। मैं जानता हूं कि मोहब्बत का मिलना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मोहब्बत को आजाद करना मेरे बस में जरूर है। और मैं इस मोहब्बत को आजाद कर रहा हूं।